मैडम ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर, साइन कर दीजिए। कुछ नहीं, बस रेगुलर टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हर एक बुक के पब्लिश होने पर होते हैं, कॉपीराइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं, इट्स फाइन। पहले आप साइन तो कर दीजिए, ये लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों सर, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई? नहीं, अब आगे की बात कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल हम आपके बुक का लॉन्च रख रहे हैं। लॉन्च? जी, इतनी जल्दी? जी वो क्या है, दरअसल कल हमारे पब्लिशिंग हाउस के 10 साल पूरे होंगे और हमने एक फंक्शन रखा है। कल जब आपका फोन आया था उसी के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अक्षरा जी की बुक का लॉन्च भी साथ ही साथ रख देंगे। माफ कीजिएगा तेज जी, लेकिन मैडम छोटा सा फंक्शन है और ये बहुत जरूरी है, कुछ ही लोग होंगे, और प्लीज आप अपनी फैमिली को हमारी तरफ से इनवाइट कीजिएगा। लेकिन मिस्टर तेज, आपको नहीं लगता कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? अभी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अजी ये सब कुछ आप हमारे ऊपर छोड़िए, बस आप अपनी फैमिली के साथ जरूर आइएगा। अब हम बुक के टाइटल और कुछ नोट्स के बारे में डिस्कस कर लें। ओके। जब हम चलते हैं, मुझे एक मीटिंग के लिए भी जाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अनुमति दी, और सॉरी कि आपको यहाँ तक आने की तकलीफ देनी पड़ी। वो दरअसल क्या है कि ऑफिशियल काम था। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू राधे कृष्ण। माँ का फोन नहीं आया, इसका मतलब दुगु ने परेशान नहीं किया होगा, खेल रहा होगा दादी के साथ। माँ ने भी कितने फोन किए हैं, माँ से बात कर लेती हूँ। टुकू के साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। हेलो। हेलो माँ, कैसी हैं आप? ठीक। पिछले दिनों मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं कर पाई थी ना कुछ होता रहा। सॉरी माँ, बहुत बहुत सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं माँ, आप अब भी मुझसे नाराज हैं? पूछेंगी नहीं मुझसे कि मैं क्यों फोन नहीं करती थी? वो मैं ना एक डायरी लिख रही थी, और एक बहुत बड़े प्रकाशक है जो उसकी किताब छापेंगे। प्रेगनेंसी में ना मैं अपने दिल की बात या अपने अनुभव उस डायरी में लिख देती थी, यही सोच के कि ये याद बनकर हमेशा हमारे साथ रहेगी। मुझे नहीं पता था कि वो छप जाएगी। और माँ, कल उस किताब का लॉन्च है, पुस्तक विमोचन एक कार्यक्रम होगा वहाँ पर, आप बाबूजी से भी कह दीजिएगा और सब लोग जरूर आइएगा। इतनी बड़ी बात हो गई और तुझे मुझे बताया भी नहीं? अब समझ में आ गया है कि मेरी बच्ची मुझसे बातें छुपाने भी लगी है। पहले तो हर छोटी छोटी बात बताया करती थी। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे माँ, मुझे फोन करने का इसीलिए तो टाइम नहीं मिला। इतना भी नहीं बता सकती थी कि तू व्यस्त है? जानती है ना मुझे, मेरी तो हर समय जान तुझ में ही अटकी रहती है।
हर चीज से मन ही उखड़ गया था। डर लग रहा था कि पता नहीं क्या बात होगी। सुनिए तो नहीं सुनना है मुझे। हर बार सुनकर अपने मन को मना लेती थी, अब कुछ नहीं सुनना है मुझे। ऐसा लगता है जैसे तुझे मेरी परवाही नहीं है अब। माँ क्या हो गया है आपको? आप मुझे इतना भी नहीं समझती क्या? हाँ नहीं समझती हूँ तुझे, बिल्कुल नहीं समझती हूँ तुझे। जब मेरा चीकू बड़ा होकर तुझसे ये बात कहेगा ना कि माँ आप मुझे नहीं समझती, तब देखना ये बात दिल को कितनी चुभेगी। अच्छा माँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई। अब आप प्लीज मुझसे इतना नाराज मत होइए ना, मैंने आपको कारण भी बताया ना। नहीं सुनना है मुझे, बस मुझे दिलासा देने की कोशिश मत कर। एक बार मुझे फोन करने के लिए भी समय नहीं था तेरे पास। घर में सबसे बात करती थी लेकिन मुझसे ही नहीं करती थी। और इतनी बड़ी बात कि तेरी किताब छपने वाली है आप बता रही है मुझे। चल ठीक है बेटा, तुझे और भी बहुत से जरूरी काम होंगे, कर ले, मैं रखती हूँ। राधेश माँ, राजा रुको, क्या हुआ? उठ गया क्या? हाँ, बस अभी उठा। और अचानक से रोने लगा। अरे माम, इसने नैपी गीली कर दी है इसलिए रो रहा है। आपका शायद ध्यान नहीं होगा, इसे जैसे गीला गीला महसूस होता है ना तो ये चिड़चिड़ा हो जाता है। आपने इसकी नैपी नहीं बदली? तुम मुझे सिखा रही हो बहू, मुझे पता है, लेकिन शायद तुम्हें लगता है कि मुझे लल्ला को संभालना नहीं आता। नहीं माम, मैं भूख भी लगी होगी इसे। आजा, आपकी नैपी चेंज कर देती हूँ। क्या हो रहा है ये टुकू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। आज देखो आपकी नानी भी मुझसे नाराज हो गई और अब दादी भी। प्लीज आप भी मुझसे नाराज मत होना। हाँ मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती थी लेकिन जाना पड़ा। अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अंशु, तेरा पेपर कैसे गया? ठीक। ठीक का मतलब क्या है? अच्छे से लिखा ना तूने? अंशु बेटा, सारे सवाल कर तो लिए थे ना? सारे सवाल तो हल नहीं कर पाया लेकिन अच्छा ही हुआ। चलो अच्छे से हो गया ना, अभी नेक्स्ट एग्जाम भी ऐसे अच्छे से दे दो। वैसे इसमें से तो काफी कुछ आता था ना तुम्हें, देखना मार्क्स अच्छे आएंगे। मेरा राजा बेटा थक गया होगा, लो शरबत पी लो। अंशु पहले हाथ मुंह धो लेना फिर पीना। जा ठीक है, मैं आया। जी वो अक्षरा से बात हुई थी, कल उसकी किताब का विमोचन कार्यक्रम है। क्या बात कर रही हो बड़ी बहू, कौन सी पुस्तक? माँ वो कोई डायरी लिख रही थी अक्षरा। हाँ हाँ वो डायरी, वो छाप रही है। अरे वो नक्श के जन्म के दौरान लिखा करती थी, अब वो सच में छप रही है क्या? तुझे पता है इस बारे में? मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। माँ लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो छप रही है। कमाल करती हो तुम दोनों, बताया नहीं बताया में उलझ रही हो। अरे ये तो सोचो उसके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। हमारी अक्षरा की पुस्तक छप रही जी, और उस कार्यक्रम में हम सबको आमंत्रित किया है। कल उसकी बुक लॉन्च है, कितनी खुश होगी वो। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा, हम सब चलेंगे। नहीं बहुत बड़ी बात है ये, अक्षरा में ये प्रतिभा थी हमने जाना ही नहीं। आप पे गई है आपकी भतीजी। सॉरी बेटा, कल तो हमारी जरूरी मीटिंग है ना, और वो लोग तो बाहर से आने वाले हैं, कैसे टालेंगे? बाबूजी हम लोग उनसे बात करके देखते हैं ना, चाहे शिफ्ट हो जाए। नहीं 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 बेटा, ये मुमकिन नहीं होगा। देखो ऐसा करेंगे, हम सब समारोह में जाएंगे जरूर, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी निकल आएंगे। माँ आप, वर्षा आप सब लोग वहीं रुकिएगा। ठीक है बेटा जी, मैं
मैं खाना लगा देती। उन्होंने सबको, पूरे परिवार को इनवाइट किया है। अच्छा, इतने जल्दी पुस्तक विमोचन कैसे कर रहे हैं? बाबूजी बहुत बड़े प्रकाशक हैं, अक्षरा की किताब को लेके काफी एक्साइटेड हैं और इसलिए वो सब कुछ जल्द से जल्द करना चाहते हैं। लेकिन कल क्या होगा? भाभी माँ, कल एक कार्यक्रम होगा जिसमें अक्षय की किताब लॉन्च होगी, सबको न्योता भी देना है। बहू, तू खुद सबको फोन करके आमंत्रित करना, अच्छा लगेगा। हेलो, जी जरूर जी। किसका था? यूं ही। तो ठीक है, कल हम दफ्तर से जल्दी आ जाएंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। भाई कल तो नक्श के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मम्मी ने जो आपके लिए डायरी लिखी थी वो एक बहुत बड़ी किताब बनने वाली है। नहीं, कल सबसे ज्यादा तालियां यही बजाने वाला है। क्यों नक्श, आप लोग बहुत मस्ती करेंगे ना? मुन्ना, नक्श कैसे जाएगा बेटा, वहां तो इतने लोग होंगे, अनजानी जगह, भीड़, शोर, छोटा बच्चा है, परेशान हो जाएगा। और बहू तो वैसे भी कार्यक्रम में व्यस्त होगी, लल्ला को नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन माँ, नक्श का वहां रहना भी तो जरूरी है। देखिए, आप होंगी, हम सब होंगे, साथ मिलकर संभाल लेंगे। अक्षरा सिंघानिया जी, कहिए। मैं धनुष प्रकाशन से आया हूँ, ये अक्षरा जी के लिए। जय अक्षरा, देख लीजिए। भाभी माँ, क्या है बेटा? निमंत्रण पत्र होगा। क्या है बहू? बहू, अक्षरा आपके हाथ में क्या है? दत्ता जी, ये मेरा पहला चेक। मेरी पहली कमाई है। जी दत्ता, प्रभु की कृपा बनी रहे। दत्ता जी, ये सब आप ही की वजह से हो पाया है, थैंक यू। बहू, तन्ने मारे को बड़ा समझकर मान दिया, लेकिन इस पे तारा हक है, तू इसे जैसे चाहे खर्च करना। ये तो आपके लिए बहुत स्पेशल चेक है, आपका पहला चेक। भाई, इसके साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, सोच रहा हूँ इसे फ्रेम करके रख देता हूँ। सबसे पहले तो इसे भगवान के चरणों में रखो, उसके आशीष से तो ये दिन आया है, उसका धन्यवाद करो। परेशान क्यों हो रही हैं? एक छोटा सा फंक्शन ही तो है। किताब छापने तक तो ठीक था नैतिक, लेकिन कल के लिए ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर क्या करना होगा और क्या नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, बस वहां पे बुक का लॉन्च करेंगे। अच्छा नैतिक,
आप ना वहां पर मेरे साथ ही रहिएगा, मुझे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िएगा। यही तो मैं आपसे कहने वाला था कि कल ऐसा ना हो कि आप मुझे इग्नोर कर दें। नैतिक प्लीज, हाँ बस हो गया। अरे एक जरूरी चीज तो मैं भूल ही गया। क्या? मैम, योर ऑटोग्राफ प्लीज। अरे अक्षरा, कल आप इतने लोगों से घिरी होंगी, हो सकता है मुझे ऑटोग्राफ देने का आपके पास वक्त हो ना हो। नैतिक आप भी ना प्लीज, अब मजाक बंद कीजिए ना, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और आप है कि बस मेरी खिंचाई करो। अरे नहीं, आई एम सीरियस, मुझे सच में आपका ऑटोग्राफ चाहिए, दीजिए ना। नैतिक I liked it. लेकिन यही ऑटोग्राफ आप सबको तो नहीं देने वाली ना कल? आप भी ना कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे प्लीज मुझे अपना पहला ऑटोग्राफ दीजिए ना, मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा, कुछ भी लिख दीजिए, लीजिए। अरे अरे जल्दी से लिखिए ना, देखिए फिर हमें जल्दी से सोना भी है, कल फंक्शन के लिए जाना है, बहुत सारे काम होंगे। प्रिय नैतिक को, जिनके नाम है मेरा आसमान, मेरी उड़ान, मेरी पहचान, अक्षर। हाँ, हमें तो पता ही नहीं था इतना भव्य आयोजन होगा। यहाँ तो बहुत रौनक लगी है। हाँ, और इतने हंगामे में हम लल्ला को ले आए। अरे अक्षरा जी आप आ गई। नमस्ते अक्षरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेज सर, अक्षरा जी आ गई हैं। अच्छा हुआ आप समय से आ गई। वेलकम अक्षरा जी, आप सबका बहुत स्वागत है, बहुत खुशी हुई आप सबको यहाँ देखकर। वेलकम। बहू लाओ। माँ मैं ले लेता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं, आइए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अक्षरा हम हैं ना आपके साथ, अब पब्लिसिटी तो ऐसी ही होती है। यहाँ तो बहुत लोग आए हुए हैं। हाँ, पत्रकार भी काफी हैं। तो जरूर बहुत अच्छा लिखा होगा, इसलिए इतना सम्मान दे रहे हैं। मुन्ना बेटा चींटों से बचाना। सर सम्मान। इसीलिए मैं लल्ला के लिए कह रही थी, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप वो तस्वीर देखिए, कितनी प्यारी लग रही है ना। अच्छा, सब प्रबंध बहुत अच्छा है। और ये सब हमारी अक्षरा दीदी के लिए। इन्होंने तो छोटा सा फंक्शन कहा था। अक्षरा इसमें घबराने की नहीं, खुश होने की बात है। भाई आपके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। भाई अक्षरा
माँ। मैम मैम एक फोटो प्लीज मैम। जी सर आप थोड़ा साइड में आएंगे, मैम की एक सोलो फोटो लेना है। जी ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।